हेलो ड्रामा वॉचर्स, की हाल चाल? ठीक ठाक हो? सो अज आपां देखना एक पहला एपीसोड नवे ड्रामे का, जिहदा नाम है अखाड़ा। अखाड़ा कहा जाता है अरीना नूं, ठीक है? मतलब तुहानूं पता अपने पंजाबी जां हिंदुस्तानी जां पाकिस्तानी कल्चर दे विच पहलवान हुंदे सीगे, ते ओह अखाड़ा लाउंदे हुंदे सी, उत्थे पहलवान कुश्ती करदे हुंदे सी, ऑल दैट सारा स्टफ सीगा। फिरोज खान दा इह ड्रामा, फिरोज खान दी इक वक्री जी लुक है, हो सकदा उहने इहदे विच बॉडी शॉडी बनाई होवे। देखदे हां पहला एपीसोड किहो जिहा लगदा, आपां नूं इंट्रस्ट बना के रखियो, वीडियो पूरी देखियो। ते तुसीं सारिआं ने ही रिकमेंड कीता मैनूं बार बार कि भाजी इह शुरू करो, इह शुरू करो। सो हुण वीडियो देखो ते इहनूं शेयर पक्का करिआ करो। नवां चैनल है, इहनूं सपोर्ट दी लोड़ है, तुहाडे ट्रक भर भर के प्यार चाहीदा। वीडियो नूं शेयर पक्का करदे रहो ते चैनल वी सब कर लो। आओ देखिए आज का ड्रामा। चार दिन रह गए पीर मंजर शाह के उर्स में, इस बार बड़ा ही मजा आएगा। अच्छा, स्टार्टिंग से इन्होंने दसिया कि मेला जड़ा उते लगदा, वो की हिसाब किताब होएगा, कुश्ती लड़दे होंगे ना। पर इस दफा दस्तगीर सुल्तान को पछाड़ेगा। ओ अच्छा, उन्होंने पिछे वो जिवें इधर हनुमान जी ने चक्या हुंदा ना, उन्हूं की कहंदे आ यार, गुंबद जिहा हुंदा, वो जिहड़े पहलवान चकदे हुंदे सी, उन्हूं की कहंदे मैनूं पता नहीं। अच्छा, आर्नोल्ड दी इह ट्रॉफी बनी हुई है, वाह भी वाह। तुझे समझाया है सुल्तान की मां, ओए अपना हाथ खुला रखा कर, इतना सा मक्खन डाल दिया इसमें। आए आए आए, गल सही है, बनाते हैं। मां की जगह पे आके देख हाकिम अली, बेटा जब सोना गबरू जवान हो, दुनिया की नजर उस पे हो। हाय, दिल तो डरता है। अरे तरम अल्लाह जन्नत नसीब करे, जरा थे उनके पास तो लोग आते ही हड्डियां तोड़वा के थे। मैं बकल्लम खुद अपना बाजू तोड़वा के गया था। यार मैनू ये समझ नहीं आई कि इन्होंने पहलवान नू इना मतलब पतला क्यों रखा है, मतलब एडा ज्यादा फिट क्यों रखा है। थोड़ा जा दिखाना सी ना पहलवान थोड़ा मोटा हो यार, जां फिर अजकल दे अकॉर्डिंग दिखाता होना शायद, अगे जाके बॉक्सिंग वगैरह च जाऊगा मिलना था। किस्मत बुरी, नजर तुझ पे पड़ गई और हाकिम अली जो किसी से चित नहीं हुआ, चारों शाने चित हो। ओके सही है, ऑमलेट बना दो मक्खन का ताजा, पहले अपने बाल बांध कर। ऐशो करे बाल बांध के जुआ पईया तेरी, कि जो जुड़वा होते हैं बहुत लड़ते हैं आपस में, हमारे देख लो कितनी मोहब्बत है एक दूसरे के साथ। अच्छा ओदी बहन सी की, ठीक है, एक दूसरे के बगैर सांस नहीं ले सकते। तो मेरा सुल्तान क्यों नहीं आया अभी तक? वो कौन है? वो कोई और बंदा है, सुल्तान है जेड़ा भाई? ओके देखते हैं। यही शायद वड्डा मुंडा हो सकता है, मे भी है ना। ये कुश्ती मुकाबला तू ही जीतेगा इंशाल्लाह। क्या बात। अच्छा हुण मुकाबला होना ते फिर देखते हैं कि उस तो बाद अगे की होना। ओ ओ ओ ओ ओए गधों के इंसानों से भले ही कितना इख्तलाफ हो, ले वे कैंट लगन डया उन्हें ड्रामा सीरियसली। ये हुण स्टार्टिंग च इन्होंने दिखाता कि दो एको पिंड दे विच जिहड़ा वैर होगा एक दूजे नाल, दो धिरां जिहड़ियां धिरां दिखाईआं गंदे बड़े काम के। ओए जब से नपैद हुए हैं ना तो समान ढोने का काम इंसान खुद कर रहा है। देख टीज किया जा रहा ना, उन्होंने जाती दुश्मनी तो है नहीं, अखाड़े की लड़ाई अखाड़े तक ही रहने थे। हाँ ये सही है, ये सही है। लेकिन इतने बंदा जड़ा है वो परसनल हो रहा है कि परसनल नहीं होना चाहिए, अखाड़ा जड़ा अखाड़े तक ही रहना चाहिए। सही है। ओ पूरा जालो जलाल, गुस्से नाल बुरा हाल, हुण होएगी कुड़ी दी एंट्री है। शुक्र है साडे इंडियन ड्रामा वांगो इन्होंने इतने स्लो मोशन च नहीं ये चीज दिखाई। ओहो फिरोज खान ने बॉडी तो तगड़ी बनाई है भरा। अच्छा एट द सेम टाइम थोड़ा मॉडर्न चीजा भी दिखाई है, कॉलेज विच पढ़ते होंगे मे बी। ओके सो हुण पएगा पंगा इत्थे, फिरोज खान आके बचाएगा।
हाथ छोड़ो मेरा। अगर दो मिनट बैठकर मेरे दिल का हाल। ओके, आई थिंक ऑलरेडी ये गर्लफ्रेंड है तो फोन पे ऑलरेडी गल कर रही सी ते फिर पै गया चक्कर ते हुण ओह जाएगा एंड बचाएगा। अच्छा ये फिरोज खान नहीं है, कोई होर है। ओके ये बंदा हुण कोई नवा ऐड हो गया विच, आई डोंट नो कि ये कौन है। तीन तीन मतलब हीरो दिखाने इन्होंने या ये दोस्त होणगे तीनों। मैंने तुझे कहा था ना सितारा के आसपास भी मत भटकना, लगता तुझे अपनी जिंदगी अजीज नहीं। सही है, अब होगी फाइट। वहां पे लड़ाई होगी है। ओके रुस्तम नाम भी वही रखा हुए जेड़ा पहलवान नाले होंगे है। सही है, सो इतने हुण अगे देखते हैं की होंदा है। चलो कुट कुट खा के जेड़ा मुंडा इन्होंने भेजता हूँ, नेक्स्ट देखते हैं की है। किसी ने शरारत की है। किसने की है शरारत? अच्छा वड्डा मुंडा ही ओहदा भरा दो। अच्छा इन्हू पता होना कि वही पंगे लेंदे ये उस दस्तगीर का काम है। अच्छा ना भाई आई थिंक छोटे मुंडे का भी गुस्सा भैड़ा तो प्यो इशारे कर रहे हैं कि नहीं दसना नहीं गा नहीं दसना। देख लो अब्बा जी आए दिन गली मोहल्ले में भाई से फड्डेबाजी करता है, लगता है मेले से पहले मेला लगाना पड़ेगा उसका। नहीं हरगिज नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये सब हथकंडे होते हैं। अच्छा ये दो भरा एक भैन है, बाकी हूँ अगे देखते हैं। छोटे मुंडे का जरा खून तत्ता है बी, वड्डा मुंडा सियाना है थोड़ा समझा के रखेगा उन्हें। वाला नहीं हूँ, दो दिन पहले भी कचरा फेंका था ना उसने, आज सारा हिसाब होगा। तलचा रोक अब अपने लाडले को। ये भैन सुनिया पै रही है पूरा माहौल यार। जब मैं थोड़े पाकिस्तान ड्रामे ता ही मतलब मैं वधिया लगता है क्योंकि ना माहौल अच्छा बना के रखते हैं। ओके हुण भैन जिहड़ी उहनूं समझाएगी। ए बस कर रेशमा, रेशमा खोल इसे। ठीक है सही है फिर, सही है कुछ तो करना पड़ा ना। यूनिवर्सिटी के मेडिकल सेंटर नहीं, मैंने कहा था हॉस्पिटल लेके जाओ उसे। इधर अड पंगा पे है, ए पहला था शेर बन के कुट देंदे है फिर बाद चो कुछ होना जावे उन्हें। सही है कुड़ी गुस्से हो गई, कहती भी तू मेरे पिछे तेन कि नहीं गया ही आके कुटन। एकदम मतलब मुंडे ये चीजा करते उस तो पंगे के मुंडे की मां होगी। मां तो नहीं लगन दी, ज्यादा भैन है आई डोंट नो, मां तो नहीं लग रही जो कि अपने जरा इश्क मुरशद ड्रामे के जवान मां उस तरह कुछ इधर तो नहीं वही चीज। साहिबा छोटे साहब को गांव आए हुए काफी अरसा गुजर गया, पता नहीं वो शहर में अकेले कैसे रह लेते हैं। जिदा असी रहे हैं शहरां दे विच पीजियां दे विच पढ़न गए हैं माता जी आई रेंदे जवाक। क्यों रुस्तम माँ की याद नहीं आती तो? ओ यार हद है, माँ दा रोल दिता यार तुसी इन्हां नूं क्यों भाई। एंड एक चीज मैं पाकिस्तानी तुहाडे पहला ग्रीन टीवी तो मैं पहला ड्रामा देख रहा एंड ये की कहते हैं मेकअप देखो किन्ना किता, लेकिन बाकी तो ड्रामा ये चीज़ा नहीं दिखाते पर शायद इन्होंने थोड़ी पुरानी लुक दिखाई है ना कि हवेलियाँ के जोड़े मतलब ठाठ बाठ वाले चौधरी लोग है तो उदा का फिर इन्होंने जो कॉन्सैप्ट क्रिएट किया। सही है भी आर्टिस्ट ने मेहनत की अपनी बॉडी दे लग रहा पूरी, क्या बात है। इन्हां बच्चों का जो प्यो आ वह अखाड़े च कुश्ती करना सिखाता सारे। की चक्कर पै गया
मैंने खुद उठा लेना। चक्कर की पै गया भाजी, मैनू भी दसो। दस्तगीर, अच्छा ये इन्हों का आपका एक अड्डा होगा जिते जे विलन वाली साइड है जी, वो अपना सिखा रहे हो गए। ठीक है, मैंने ना इनका तुझे बाहर मुलक लेके नहीं जाना, वो मेरी नाक कटवाएगा भरे मेले में, वो मेरी पग रोलेगा हाकम के पैरों में। अच्छा वो कह रहे हो ना तू प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तू इतने लंबा पे है। चौधरी साहब उस पाटे तो सुबह ही ला ली सी, तो सुल्तान है कोई तोप तो नहीं है। ओ यार आ बंदे ने ज्यादा शरीर बनाया भरावा, जेड़ा विलन है, क्या बात है। इधर आपदा रोला है ना, क्रॉस कर दी थी। स्टूडेंट्स बता रहे कि तुमने उसकी नाक के तोड़ दिए। अच्छा वो तो कितने सी वीकेंड का क्या प्लान है? वीकेंड पे हम सब गांव जा रहे हैं, मैं, तुम, बॉबी और आनिया। हम सब मतलब कोई शादी। साइड लुक का कुड़ी थी प्रियंका चोपड़ा की, नहीं लगन दी। शुरू हो रहा है, एक पासे रियासत अली ते दूजे पासे जद्दी पुश्ती पलवान हाकम अली। आई थिंक इन्हें पुराना याद आ रहा है भाई, इन्हें अपना कमीन का घर है। उठाओ और ले जाओ चा। ओहो बड़ा गुस्सा पैड़ा अंकल जी, चा नहीं पींदे होंगे उस्ताद बंदे। रहती रहती हो मुझे लगता है चौधरी साहब आज आप फिर हाकिम पहलवान को देख कर आ रहे हैं अखाड़े में। ओके सो आई थिंक इन्हों का मुंडा हो ठीक है जो बहर पढ़ता ते एदा चौधरी साहब ने अगे जड़ा अखाड़े विच अपना जड़ा चेला है कोई उन्हों लड़वाना है वो दूजे मुंडे नाल जड़े दो भरा है। सो पहला ड्रामा भी बिल्डअप हो रहा है, करैक्टर नू इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, स्टोरी जड़ी है बन रही है, अगे देखते हैं की हुंदा। पूरी टोली आ रही है साथ में। हाँ अच्छा माता जी खुश हो गए ने, जवान माता जी इत्थे भी के जड़ा बच्चा इन्हां दा वो आ रहा है। ओ नहीं नसीर है चौधरी साहब। और रस्तमी है अपने दोस्तों के साथ मेला देखने आ रहा है। आपने हमारी इकलौती औलाद को हमसे इतना दूर शहर भेज दिया। गाल तो सही है। आखिर ये जुदाई कब खत्म होगी चौधरी साहब? ये बड़ी अकल की बातें हैं मेहरून साहब, वो खामखा अपना दिमाग ना लगाया कर इनमें। ओहो चौधरी तो भाई बड़ा रूड किस्म का बनाया है इन्होंने। मैं पता है अब्बा जी की कहना है की कह यार तुम्हारिया पाकिस्तानी जड़ियाँ ये आर्टिस्ट है कुड़ियाँ ये इंडियंस ही क्यों लगी जाती है मैंने सारी ये वामिका गब्बी अर्गी लगन रही है। पहलवान का जुस्सा ना कंध की तरह होना चाहिए। और पता है हाजरा क्या कहती है? कुड़ी कहती है रेशमा तेरा पराग कितना पिटू है। पिट्टू है मतलब शित्र खांदा। लंगदा दिन लंगदा। ओके ये ओएसटी है। सुल्तान ने हाथ से खिला दे। पहलवानी किधर जाऊगी फिर? तू बावर्ची खाने में जा, वहां छोटी और अम्मा दोनों हैं। क्या हो गया सुल्तान? तेरी मंगेतर होने से पहले तेरी खाला जात भी तो लगती हूँ, उसी बहाने थोड़ी देर मेरे साथ बैठ जाना। अन्नी हो गई है तू जाए यहां से। सही है मुंडा शरीफ है भी। ओ जा भी। जा रही हूँ, बादाम का हलवा बना के लाई थी तेरे लिए, अपने अब्बा से इजाजत लेके खा लेना। टॉन्ट। अच्छा पंजाबी लोग पूरी हैं, सही है। सुन हाजरा, दिल शेर को खाना देने के बाद ना हम छत पर बैठ के ढेर सारी बातें करने वाले, ठीक है? चल आजा। छलांग मार के 4 फुट दूर खड़ा हो जाता है। वैसे तो कितनी ना शुक्रिया हाजरा,
मंगनी से पहले कहा करती थी, रेशमा तेरा भाई मुझसे कोसों दूर भागता है, अब जब फासला 4 फुट का रह गया तब भी तुझे मसला है। अच्छा ये पकड़। अब कल से इस जगह पे रौनक ही रौनक होंगी। मैं वही देख रहा फिरोज खान हूँ, अभी तक घट दिखाया यार, जेड़ा मेन लीड विच होएगा आई थिंक अगे जाके। लाहौर शहर से भी कुड़ियाँ आती हैं हर साल की तरह, इस साल भी आएंगी, और पिछली बार तो तेरा एक पे दिल भी आ गया था ना। बस कर दे, ऐसा कुछ नहीं है। सही है, शुक्र है भाई ने पहले ही जड़ा डिनाई की थी ये चीज। कहती है हाजरा, जो तू फजरों वेले उठ के मुझे वजू करवाती है उसी का सिला मिला है सुल्तान। सिर्फ वजू ही कराती है या नमाज भी पढ़ती है खुद? गुड वन। ओके इधर यार देखो, ग्रीन टीवी की यह खासियत है कि इन्होंने ना रीप्रजेंट करने का तरीका बड़ा वधिया, इन्होंने एट द एंड सेम टाइम इन्होंने जिहड़ियां चीज़ें भी रखियां कि जिहड़े कॉलेज में मुंडे पढ़ते हैं एंड सारे वक्रे वक्रे दिखा रहे हैं ना, उन्हें फिर इन्हों शायद अगे ले जाके सारे इकट्ठा किया जाना मैं लगता जो तक। अंकल जी वेले बैठे की सोच रहे ने? तो बात का जवाब तो दे दे, क्या हो गया, क्या सोच रही है? गई बंद बैठो बैठे यार, ता भी घर वाले गुस्से हो जाते हैं, दसदा दे की सोची जानी है। ये तू कुश्ती का मूल कुश्ती ही नहीं है, इज्जत शान और शौकत है, सरदारी है। ये तेरे सामने बैठा है ना आकम अली पहलवान। सही है, जब कुश्ती खुलते हैं ना तो इस तरह की छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। ये तो सही है की। अब बादशाह अल्लाह तेरा पुत्र सुल्तान पिछले 4-5 साल से कुश्तियां खुल रहा है, पहले तो तूने कभी इतराज नहीं किया, अब पॉइंट मेला शुरू हो रहा है, मेले में मनादी हो जाएगी कि सुल्तान और दस्तगीर का दंगल है और मैं सुल्तान का बाप हाकम अली। सब मतलब देखो गैरत पसंद बंदे दिखाए है इस ड्रामे च भी, तो इश्क मुर्शिद विच भी, वह ईमानदार है एंड इन्हां नूं अपना गुरूर है अपने काम दा। जाके ये ऐलान कर दूं कि मेरा पुत्र नहीं कुलेगा। मां ना यार, मां नूं तां थोड़ा वो चीज। अच्छा माँ जी हूँ टेंशन ले रहे थे, मुंडा हूँ थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा एंड समझाऊंगा कि माँ कोई चक्कर वाली गल नहीं। जीता रहे, बस तो अखाड़े में नहीं उतरेगा दस्तगीर के खिलाफ। यार ये गल गलत है यार, माँ ने पहले ही शर्त रखती है, तो मैनू वैसे लगता भी वह दूजे मुंडे ने जितना क्योंकि उन्हें शरीर बड़ा तगड़ा बनाया भाई ये मुकाबले, पर फिर भी इस कला शरीर नहीं कम होंगे, एक जिगरे ना की भी चीज़ होंगी अखाड़ियाँ के, पर देखते दे हूँ की रिएक्शन आएगा था। That is okay. So guys, ये सीगा अखाड़े ड्रामे का पहला एपीसोड, तो वो रिएक्शन तो कहानी मैं बहुत अच्छी लग रही है एंड थोड़ी जो डोमैसटिक मतलब कह लो कि घरेलू गल्लां नहीं है, ये इन्होंने सारे करैक्टर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, वो मुंडा कुड़ी जिहड़े गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो एक जिहड़ा मुंडा हैगा फिरोज खान का भरा, उदी भी एंगेजमेंट हुई भी है, ये भी इन्होंने दसिया, एक पूरा बिल्डअप करता कि दंगल होना उद्देश जो दस्तगीर है तो वह रुस्तम के नाल दंगल होएगा, पहलवानी अखाड़े दे विच अपने अपने जोड़े जोहर है पहलवान दिखाएंगे तो देखा वो दे जितता कौन है, सारी स्टोरी आई थिंक पूरे ड्रामे की ये अगे पिछे चलनी है। लेकिन हाँ ग्रीन टीवी की खासियत इतनी है कि जो इन्हों के कैमरा एंगल्स आ जो जो सीन चेंज होंगे है जो पीछे म्यूजिक चल रहा है ऑल गुड यार, हाई क्वालिटी है सारा कुछ, प्रोडक्शन लैवल बहुत ही चंगा, तो जो जिन्हें भी ये आर्टिस्ट जड़े भी करैक्टर बनाए हैं सारे की जी एक्टिंग है वह जबरदस्त लगी मैनू, एक साइड पहलवानी है दूजी साइड एक मुंडा जो अपने कॉलेज में पढ़ता है ठीक है, उत्थे वो जरा जिम शिम कर रहा है, दो इधर पहलवान दिखाए है, अगे जाके कड़ियाँ जुड़न गियाँ आपस के देखते हो लॉजिक होएगा।
चौधरी साहब की जो घरवाली है जो वो मुंडे की माँ जो मुंडा अपनिया अपने फ्रेंड सर्कल के नाल घर वापस आएगा घूमन शुमन ठीक है ते ओ जिहड़ी मां ओ ओ भी देखो जवान दिखाई हो सकदा पर सौतेली मां तां नहीं जिस तरह ओ मतलब ओनू इन्ने मतलब याद कर रही है ओनू है ना ओदी याद दे विच तड़प रही है आपदे बच्चे दी सौतेली मां तां नहीं दिखाई इन्हां ने पर हाँ फर्क जरूर दिखाया हो सकता अगे जाके कोई कहानी बना देन कि वो जिहड़ा बंदा सी ओदी पहले वाली घर वाली सी ओ मर गई सी एंड ऑल दैट सारा कुछ इदां दा कुछ होगा ते जे ना भी होया चलो आई डोंट नो कि इन्हां ने इदां क्यों करदे आ पर उधरले ड्रामे च भी आही चीज़ कीती है ये चीज़ शायद जिहड़ी तुसी करदे हो ना ये मैनूं लगदा तुसी इंडियन फिल्मां तों चक्की है कि हाँ भी जिहड़ी घर वाली है वो जवान होवे बंदा जिहड़ा बुढ़ा होवे पर देखो स्टोरी की डिमांड हो सकता अगे जाके पता लगे पहले एक एपीसोड तो आप सारा कुछ जज नहीं कर सकते पर मैनू काफ़ी इंट्रस्टिंग लगा फिरोज खान लीड रोल विच है या सारे बंदे बराबर जिहड़े आउणगे अगे देखदे आ उह हालांकि हजे तक फिरोज खान के करैक्टर चंगी तरह नहीं दिखाया गया सिर्फ ये दिखाया कि वह बड़ा गुस्से वाला है ठीक है तो वो जोश है जज्बा है तो मतलब थोड़ा अग्रैसिव नेचर का दिखाया वो जिदा कि एक पिछले ड्रामे के भी सीगा लेकिन हूँ अगे देखते हैं कि कहानी किदा दी जाएगी पर मैं तो कहन लगी थोड़ू कि लगी थले कमेंट करके जरूर दस्यो थैंक यू सो मच कि तुम अब तक वीडियो देखी है पर जेकर हूँ वेखी है तो चैनल सबसक्राइब पक्का करो तो इस वीडियो में शेयर करो चैनल में शेयर करो अपने यार दोस्त मित्रों के नाल क्योंकि इस चैनल पर तुम्हें जेडे ड्रामे कहोंगे आप जो पूरे रिएक्शन अपलोड करा बाकी देखते रहो तो चैनल सबसक्राइब जरूर कर लो दो बारी कहता मैं जोर पा पा के मैं कदे नहीं किया सो नवा चैनल है दैट्स वाई मैं कह रहा सो जस्ट सबसक्राइब करिए और कहता मिलते अगली वीडियो सत श्री अकाल।